हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं एजुकेशन के हवाले से। आज हम एजुकेशन 4-10 को डिस्कस करेंगे, जिसमें टीचिंग और लिटरेसी स्किल्स को डिस्कस करेंगे कि लिटरेसी स्किल्स क्या होती हैं और लिटरेसी का मतलब क्या है, ये टर्म्स किस से अखज़ हुई है, किस से रेफर करती है, उन तमाम चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो लेसन नंबर 1 में टीचिंग और लिटरेसी स्किल्स को हम डिस्कस करेंगे कि लिटरेसी है क्या। लिटरेसी उर्दू में हम उसको ख्वानदगी कहते हैं कि पढ़ा लिखा होना। लिटरेसी रेट जिस तरह कहते हैं कि आपके एरिया में लिटरेसी रेट क्या है, आपकी कंट्री का लिटरेसी रेट क्या है, तो उसी को ही हम लिटरेसी कहते हैं। पाकिस्तान में लिटरेसी रेट क्या है, तो ये तमाम चीज़ों को, तमाम एस्पेक्ट्स को हम लिटरेसी कहते हैं। सबसे पहले तो लिटरेसी का मतलब क्या है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। ऑफन मेनली टू रीडिंग, इसमें रीडिंग आती है, राइटिंग भी आती है, स्पीकिंग एंड लिसनिंग, ये तमाम स्किल्स इसमें आती हैं लिटरेसी में। द एक्टिविटीज़ ऑफ रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग इन लर्निंग एनवायरमेंट आर इंक्लूडेड इन लिटरेसी। मतलब रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, मतलब जब हम ये चारों स्किल्स इन्वायरमेंट के लिहाज से, माहौल के लिहाज से सीखते हैं, उसको हम लिटरेसी कहते हैं। नेशनल लिटरेसी ट्रस्ट डिफाइन, वी बिलीव लिटरेसी इज द अबिलिटी टू रीड, राइट, स्पीक एंड लिसन वेल। मतलब अगर नेशनल लिटरेसी ट्रस्ट के हवाले से इसकी डेफिनेशन करें, तो हम ये कह सकते हैं वी बिलीव लिटरेसी इज द अबिलिटी टू रीड, राइट एंड लिसन वेल। लिटरेट पर्सन इज एबल टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद अदर्स एंड टू अंडरस्टैंड रिटन इंफॉर्मेशन। मतलब जो पढ़ा लिखा आदमी होता है, डेफिनेटली उसमें कम्युनिकेशन स्किल की एबिलिटी ज़्यादा होती है, वो तमाम चीज़ों को आसानी से समझ सकता है और कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकता है और कन्वे कर सकता है। एज सच दी स्किल्स आर असेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ लिटरेसी। ये तमाम स्किल्स जिसमें रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग लिटरेसी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड एंड द एक्टिव एबिलिटी टू कंबाइन दी स्किल्स इज नोन एज ए डेवलपिंग आर एंगेजिंग इन लिटरेसी स्किल्स। मतलब ये जो आपकी महारत है, एबिलिटी है, काबिलियत है, इन तमाम जो स्किल्स है उनको मिला के जब आप खुद को इंगेज करते हैं, खुद को इसमें इन्वॉल्व करते हैं इन तमाम स्किल्स में, उसको हम लिटरेसी स्किल्स कहते हैं। दीज स्किल्स आर क्रिटिकल इन कम्युनिकेशन इन टूडे वर्ल्ड। मीडिया एंड टेक्नोलॉजी एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, वेन यू यूज योर लैपटॉप टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन फॉर सम वेबसाइट, यू आर यूजिंग द लिटरेसी स्किल्स। जब आप कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन लेते हैं किसी भी वेबसाइट से, तो आप लिटरेसी स्किल सीख रहे होते हैं। मतलब आज के दौर में यू नो दैट इंटरनेट है, उसके अलावा आपके पास और बहुत सारे चैनल्स हैं, सोशल मीडिया का दौर है, न्यूज़ चैनल्स हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं लिटरेसी के हवाले से। टॉपिक 2 क्या है, व्हाट इज मेंट बाय लिटरेसी स्किल्स। स्किल्स, लिटरेसी स्किल्स का मतलब क्या है। वी यूज द टर्म लिटरेसी स्किल इन मैनी कॉन्टेक्स्ट। हम लिटरेसी को बहुत सारी स्किल्स में काउंट करते हैं। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, वाई रीडिंग, वाई राइटिंग, वाई स्पीकिंग, इन तमाम स्किल्स को हम लिटरेसी कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं। वी ऑल्सो टॉक अबाउट लिटरेसी रेट ऑफ कंट्री एंड कंपेयर इट विद दैट ऑफ अदर्स। मतलब जिस तरह हम अपने लिटरेसी रेट की बात करते हैं और इसको कंपेयर करते हैं बाकी लोगों के साथ, बाकी कंट्री के साथ, अगर हम किसी सिटी में हैं तो हम दूसरे सिटी के साथ अपना लिटरेसी रेट या हमारी जो एजुकेशन है वो किस हद तक है। सो व्हाट डू वी मीन बाय दिस टर्म, व्हाट आर द स्किल रिलेटेड लिटरेसी, लेट अस ट्राई टू डिफाइन इट इन मोर डिटेल। मतलब इसको हम डिटेल में डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। लिटरेसी स्किल्स आर दोज विच हेल्प इन डेवलपिंग लिटरेसी एंड इम्प्रूविंग लिटरेसी। मतलब जिससे आपकी
ख्वांदगी या पढ़ा लिखा होना शो हो और इम्प्रूव हो, उसको हम लिटरेसी स्किल कहते हैं. ई स्किल कंटेन सेवरल सब स्किल, फॉर इंस्टेंस रीडिंग. व्हेन यू आर रीडिंग अ टेक्स्ट ऑन द पेज ऑफ अ बुक इन फ्रंट ऑफ यू, जब आप कोई भी पेज पढ़ते हैं जो आपके सामने, यू पास थ्रू अनफेमिलियर वर्ड्स एंड सर्च फॉर देयर मीनिंग टू अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल वर्ड्स कंटेंड इन द टेक्स्ट, यू कनेक्ट द वर्ड्स टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट. मतलब इसमें तमाम स्किल्स इन्वॉल्व हो जाती हैं. एज सच द रीडिंग स्किल इंक्लूड अ नंबर ऑफ सब स्किल विच कलेक्टिवली हेल्प इन डेवलपिंग लिटरेसी. सेम इज द केस विद द अदर स्किल्स. मतलब जैसे जैसे आपकी रीडिंग एबिलिटी बढ़ती है इस लिहाज से आपकी स्किल भी बढ़ती है. यूजिंग लिटरेसी स्किल स्टूडेंट गेन नॉलेज थ्रू रीडिंग एज वेल एज यूजिंग मीडिया एंड टेक्नोलॉजी. कि जब आप लिटरेसी स्किल के हवाले से नॉलेज गेन करते हैं, आप पढ़ते हैं, तो इस लिहाज से आपके नॉलेज में इजाफा होता है. मतलब जैसे जैसे आप मल्टीमीडिया या सोशल मीडिया से इंफॉर्मेशन लेते हैं तो आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा होता है. दीज स्किल्स आल्सो हेल्प स्टूडेंट क्रिएट नॉलेज थ्रू राइटिंग एज वेल एज डेवलपिंग मीडिया एंड टेक्नोलॉजी. राइटिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. All skills are needed for reading or writing, including in literacy. मतलब ये तमाम जो skills हैं ये सारी literacy rate का हिस्सा है. Different types of literacy skills, कौन कौन सी literacy skills हैं, कौन कौन सी किस्में हैं. Reading literacy skill में आती है. If you read sentence, it's a literacy skill. इस तरह reading books, newspapers, ये जो जितनी भी सारी skills होती हैं लिटरेसी. मैनी सब स्किल्स आर इन्वॉल्व इन रीडिंग स्किल्स. द रीडिंग स्किल अंडरस्टैंडिंग द वर्ड्स, मतलब जो वर्ड्स आप अंडरस्टैंड करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो उनको हम लिटरेसी में कौन कहते हैं. हाउएवर देयर कुड बी डिफरेंट लेवल एज अ रीडिंग अ चिल्ड्रन स्टोरी बुक. मतलब कोई भी आप बुक पढ़ते हैं तो लिटरेसी में काउंट होती है. एक्स्ट्रा रीडिंग अजाफी जो रीडिंग कहते हैं, जिसमें मतलब इज एबिलिटी टू रीड एंड राइट बट ऑल्सो इंक्लूड स्किल लाइक क्रिटिकल थिंकिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, व्यूअर. मतलब ये भी लिटरेसी में. न्यूमरेसी क्या है, इज अ बींग एट होम विद नंबर्स एंड नोइंग द स्मार्टेस्ट वे टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स. मतलब जब आप ये जानते हो कि किसी भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है तो उसको न्यूमरेसी कहते हैं. लिटरेसी न्यूमरेसी आर ग्लोबली रैंक इन द टॉप थ्री स्किल दैट एम्प्लॉय लुक फॉर इन एन एम्प्लॉय. कैसे लर्न करते हैं लिटरेसी स्किल, लर्निंग लिटरेसी स्किल्स, कैसे एबिलिटी हासिल करते हैं. लिटरेसी स्किल स्टूडेंट गेन नॉलेज थ्रू रीडिंग एज वेल एज यूजिंग मीडिया एंड टेक्नोलॉजी. लिटरेसी स्किल जो होती हैं सोशल मीडिया दौर में बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी एबिलिटी में. दिस स्किल ऑल्सो हेल्प स्टूडेंट क्रिएट नॉलेज थ्रू राइटिंग एज वेल एज डेवलपिंग मीडिया एंड टेक्नोलॉजी. इस स्किल के थ्रू आप नॉलेज हासिल कर सकते हैं आपकी राइटिंग एबिलिटी. देर आर टू एंड्स टू द कंसेप्ट ऑफ लर्निंग लिटरेसी. स्टूडेंट कंसर्न इज टू लर्न दिस स्किल. स्टूडेंट का जो तल्लुक होता है वो लर्निंग से होता है. स्टूडेंट्स टीचर मस्ट इंश्योर दैट देयर स्टूडेंट लर्न ऑल द मेन एंड अलाइड सब स्किल इंक्लूडेड इन लिटरेसी. लिटरेसी इज द एबिलिटी व्यू राइट डिजाइन स्पीक लिसन इन अ वे दैट अलाउ यू कम्युनिकेट इफेक्टिवली. एंड पे आप अगर लिटरेसी की डेफिनेशन एक्सप्लेन करना चाहें तो इन वर्ड्स में भी कर सकते हैं. द पावर ऑफ लिटरेसी लाइज नॉट जस्ट इन अबिलिटी टू रीड एंड राइट बट रेदर इन पर्सन कैपेसिटी टू अप्लाई दिस स्किल इफेक्टिवली कनेक्ट इंटरप्ट एंड डिटरमिन द वर्किंग ऑफ द वर्ल्ड इन विच दे लिव. मतलब ये तमाम स्किल्स उसमें मौजूद होनी चाहिए कि अपनी नॉलेज को, अपनी राइटिंग को, टेक्स्ट को किसी भी कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सके. सिग्निफिकेंस अहमियत क्या है लिटरेसी की, म्यूजिक में देखें, किसी भी इंफॉर्मेशन लिटरेसी, कल्चर लिटरेसी, मतलब हर तरह की लिटरेसी बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ही अहम है तमाम फील्ड्स के हवाले से. एक्स्ट्रा रीडिंग शुड बी वाइटल. जो आपकी रीडिंग एबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं. रिसर्च प्रूव द रीडिंग अलाउड द चिल्ड्रन एवरी डे पुट देम ऑलमोस्ट अ ईयर अहेड चिल्ड्रन बट हु डू नॉट रिसीव डेली. मतलब रीडिंग अलाउड इज अ वाइटल. मतलब रीड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट. लिटरेसी सेव्स लाइफ. लिटरेसी आपकी जिंदगी को सेव करती है. अकॉर्डिंग टू
यूनेस्को इम्प्रूवमेंट इम्प्रूव एजुकेशन प्लान एफ द चिल्ड्रन चिल्ड्रन डेथ इन द पास्ट 20 ईयर मदर हु एजुकेटेड मोर, मतलब अगर हम पढ़े लिखे होंगे डेफिनेटली रोजगार होगा और आप कहीं भी काम कर सकेंगे. लिटरेसी टीच यू टू ऑन एंड वैल्यू योर ओन स्टारी सॉरी स्टोरी. लिटरेसी ये हमें बताती है कि किस तरह खुद को डिवेल्प करना है, किस तरह कॉन्फिडेंटली इस मुआशरे में रह के काम करना है. लिटरेसी गेट्स यू टू गोल. लिटरेसी आपको गोल की तरफ ले जाती है. आप कोई भी चीज़ अचीव कर सकते हैं, कोई भी चीज़ डेवलप कर सकते हैं, इससे आपकी काफ़ी एबिलिटीज़ इम्प्रूव होती हैं. उसके बाद लिटरेसी इम्पावर्स. लिटरेसी पावर को शो करती है, इससे आपकी पावर बढ़ती है. उसके बाद लिटरेसी स्किल्स इन द क्लासरूम. क्लासरूम में भी लिटरेसी स्किल्स होती हैं. डेवलपमेंट ऑफ लिटरेसी स्किल्स स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री. सपोर्टिंग यंग चिल्ड्रन लैंग्वेज लिटरेसी डेवलपमेंट हैज बीन कंसीडर्ड अ फैक्टर दैट प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग रीडर राइटर लेटर इन लाइफ. मतलब लिटरेसी स्किल अगर क्लासरूम में बढ़ाएं डेफिनेटली इससे बच्चे सीखेंगे. जब बच्चे सीखेंगे वो कंट्री का नाम रोशन करेंगे, जिस तरह ये दो एग्जाम्पल्स में उसने बताया है. तो ये आप देख भी सकते हैं. लिटरेसी रेट इन पाकिस्तान 58% और लिटरेसी रेट इन यूएसए 90-95. तो आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि पाकिस्तान में लिटरेसी रेट क्या है और यूरोपियन कंट्रीज़ में लिटरेसी रेट क्या है. तो इस लिहाज से पाकिस्तान लिटरेसी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत पीछे है. और ये तब पॉसिबल है, तब मुमकिन है जब हमारे गांव के लोग, हमारे सिटी के लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे, तो उससे लिटरेसी रेट में इजाफा होगा. जैसे जैसे लिटरेसी रेट में इजाफा होगा डेफिनेटली लोगों में अवेयरनेस आएगी और लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे और अपनी मर्जी से मतलब कुछ भी कर सकेंगे. और जो थेफ्ट रेशियो है और जो पॉवर्टी की रेशियो है लिटरेसी की वजह से कम होगी. तो इन तमाम चीज़ों को माइंड में रखना चाहिए. तो लिटरेसी ना सिर्फ क्लासरूम में इम्पोर्टेंट है बल्कि आपके प्रैक्टिकली लाइफ में भी बहुत इम्पोर्टेंट है. तो ये था हमारा पहला लेक्चर लिटरेसी स्किल्स के हवाले से. इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं वो बेसिक तो आपने माइंड में रखना है कि लिटरेसी स्किल्स होती क्या हैं. तो लिटरेसी स्किल्स में एक स्किल नहीं आती, लिटरेसी स्किल में ऑलमोस्ट चारों स्किल्स आती हैं, रीडिंग राइटिंग लिसनिंग स्पीकिंग. तो इसलिए ज़रूरी है कि फोकस करें लिटरेसी स्किल्स पे ताकि पाकिस्तान में रेशियो बढ़े.